afternoon everyone, welcome in my class. Today we are going to start our topic subtraction of three digits number ko subtract kaise karte hain. Jaise apne ko 341 ko and 763 ko subtract karna hai, theek hai. To kaise karenge, yahan write karenge inka place. तो 763 में अपने को 341 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो थ्री वंस में वन वंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये थ्री वंस हैं, इनमें वन वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. थ्री वंस में वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वन टू बच जाएगा. तो देखो ये वन टू वंस आ गया. राइट कर देंगे यहाँ पे टू वंस, ठीक है. यहाँ राइट कर देंगे अपन टू. फिर नेक्स्ट देखिए, सिक्स टेंस में फोर टेंस सब्ट्रैक्ट करना है. तो सिक्स टेंस बनाइए पहले. ये टेंस की लाइन है ना, ऐसी सिक्स लाइन बनाइए, ठीक है. तो ये सिक्स लाइन बन गई. सिक्स टेंस में अपने को फोर टेंस सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये फोर लाइन अपन यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है. ये फोर लाइन कट कर दी. अब देखिए कितने बच गए, वन टू. फोर टेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद में टू टेंस बच गए. तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्स सब्ट्रैक्शन फोर इज इक्वल टू टू. फिर नेक्स्ट देखिए, 700 में 300 सब्ट्रैक्ट करने हैं. क्या करने हैं, 700 में 300 सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो यहाँ पे 100 बॉक्स की 7 प्लेट्स बनाएंगे. 100 बॉक्स की 7 प्लेट देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 700, ठीक है. 100 बॉक्स की कितनी प्लेट हो गई, 7 प्लेट्स, ठीक है. अब 700 में 300 सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो 700 में 300 को हटा दीजिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3. अब देखिए कितने बच गए, 1 2 3 4. यहाँ पे अपने पास 400 बच गए. तो यहाँ राइट कर देंगे अपन 400. देखो ये राइट किया हुआ है ना, 400. तो इस तरीके से अपन जो है थ्री डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. अब देखिए एक्सरसाइज फॉर सी. यहाँ पे नाइन वंस में सिक्स वन सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो सबसे पहले फिंगर पे काउंट करेंगे अपन 9, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 में सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, 6. 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए, 1 2 3. और यहाँ राइट कर देंगे अपन 3 वंस, ओके. फिर 1 टेंथ में 0 टेंथ सब्ट्रैक्ट करना है. तो किसी भी डिजिट में 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिजिट ऐसे की ऐसे ही आ जाते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टेंथ. 600 में 200 को सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है, 600 में 200 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 200. 1 2, कितने बच गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, 400. फाइनल आंसर आया 413, ठीक है. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ई. 200 में 2 वंस में वन वन सब्ट्रैक्ट करना है. टू वन में वन सब्ट्रैक्ट करना है. तो आंसर क्या आएगा, 1. कैसे आया, 1 2 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बच गया. अब 2 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो वही 1 आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि 2 1 2 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया. 800 में 500 को सब्ट्रैक्ट करना है. 800 से 500 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो फिंगर पे काउंट करेंगे 8 और उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में कितने 100 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 5. 1 2 3 4 5, कितने बच गए, 1 2 3. यहाँ राइट कर देंगे अपन 3, ओके. नेक्स्ट देखिए आई. 5 वंस में 1 सब्ट्रैक्ट करना है. 5 वंस में 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो फिंगर पे काउंट करेंगे अपन 5. 1 2 3 4 5. 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने बच गए, 1 2 3 4. अपने पास बच गए 4 वंस. 4 टेंस में 2 टेंस सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 2 3 4.
फोर, फोर टेंस में टू टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन टू, कितने बच गए, वन टू, टू टेंस, ठीक है। 500 में 300 सब्ट्रैक्ट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, थ्री, वन टू थ्री, कितने बच गए, वन टू, यहाँ राइट कर देंगे 200, ओके। अब देखिए, राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग, कॉलम्स बना के सब्ट्रैक्शन करने, तो अपन ई ए और ई वाला क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो देखिए, सबसे पहले अपन काउंट करेंगे इनके डिजिट, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मतलब यहाँ पे कॉलम कितनी बनाएंगे अपन ने, थ्री कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जितनी डिजिट्स उतनी ही कॉलम बनाएंगे, वन टू थ्री। अब इनका प्लेस राइट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। अब इनके डिजिट्स राइट करेंगे, वंस थ्री, टेंस थ्री, हंड्रेड थ्री, ठीक है। सॉरी, सब्ट्रैक्शन करना है तो लास्ट डिजिट को अपसाइड राइट करेंगे, ठीक है। नाइन तो क्या है, वंस है, ठीक है। एट क्या है, टेंस है, और सिक्स क्या है, सिक्स क्या है, हंड्रेड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, थ्री क्या है, वंस है, और थ्री क्या है, टेंस, और थ्री क्या है, हंड्रेड। सब्ट्रैक्शन करेंगे, नाइन वंस में थ्री वंस सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो फिंगर पे राइट करेंगे नाइन वंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन में थ्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वन टू थ्री। अब काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स वंस इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एट टेंस में थ्री टेंस सब्ट्रैक्ट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट में थ्री टेंस सब्ट्रैक्ट करने हैं, वन टू थ्री, कितने बचे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टेंस आंसर आ गया। सिक्स हंड्रेड में थ्री हंड्रेड सब्ट्रैक्ट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, थ्री, वन टू थ्री, कितने बच गए, वन टू थ्री, यहाँ राइट कर देंगे थ्री हंड्रेड, फाइनल आंसर आ गया 356, ठीक है। सो ये मैंने इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको करवा दिया है। अब आप बी सी डी ई एफ जी एच भी इसी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ कॉलम बना के अपने को एडिशंस करना है, कॉलम बना के अपने को सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड एक्सरसाइज फॉर सी, सो इट्स इनफ फॉर टुडेज रिमेन टॉपिक, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।